आर माधवन की रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट ना कि ये एक बायोग्राफी मूवी है, इससे बढ़कर ये इंडियन साइंटिस्ट के साथ हुई नाइंसाफी और उनकी डार्क सच्चाई तो दिखाती है, पर उससे भी बढ़कर पूरे वर्ल्ड में इंडिया के साइंटिस्ट किस लेवल पे काम करते थे, इस चीज को रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट बहुत ही ऑनेस्टली एक्सप्लोर करती है। क्या समझ आता है मुझे? एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये मूवी बेस है इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट श्री नम्बी नारायणन के लाइफ पर। और मूवी देखने के बाद मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था कि हम लोगों से बहुत कुछ छुपाया गया, यानी लिटरली हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट है उनके अचीवमेंट्स को हमें नहीं बताया गया। और मूवी देखने के बाद मैं एक पॉइंट पे यही सोच रहा था कि अगर उस टाइम पे श्री नाम्बी को अगर डायरेक्टर बना दिया जाता था इसरो का, तो ये बंदा मंगलयान को 20 साल पहले ही मंगल ग्रह पे पहुंचा देता, यानी जिस विजन के साथ श्री नाम्बी काम करते थे। यानी इस बंदे ने 400 मिलियन पाउंड्स के इक्विपमेंट्स फ्री में लिए है, 3 साल की रिसर्च 10 महीने में पूरी भी कर डाली, ऐसा इंजन बनाया जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसका इफेक्ट ऐसा हुआ कि उस टाइम पे इंडिया का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट था पूरी दुनिया में टॉप लेवल पे था, यानी इंडिया के साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की और हमें कानों कान खबर भी नहीं थी। और लिटरली ये एक बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट है। 400 मिलियन पाउंड्स का इक्विपमेंट स्कॉटलैंड से उठा लाए मुफ्त में। देखो इस मूवी की असली जान आर माधवन है, जो इस मूवी के राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तीनों भी है। और मूवी देखते समय मैडी का विजन हमें नजर आता है, जिस तरह से इस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग थी, आर माधवन ने इसे एक यूनिवर्सल मूवी बनाई है। क्योंकि श्री नाम्बी के जो रॉकेटरी एडवेंचर थे, बंदे ने अमेरिका के नासा से लेकर रशिया तक सभी को हिला के रख दिया था अपने विजन से और अपने काम से। मूवी में ऐसे ऐसे मोमेंट्स हैं जो लिटरली तुम्हें देख के गूज़बम आते हैं, चाहे वो इंडिया का रॉकेट इंजन टेस्ट करना हो या रशिया से शिपिंग करना अमेरिका से बच के। इतना ही नहीं, मूवी के अंदर श्री नाम्बी का जो कैरेक्टर जितने हार्ड डिसीजन लेता है, उस बोझ के साथ काम करने के लिए कलेजा चाहिए, और वो मूवी का सबसे बेस्ट मोमेंट्स में से एक था, जहाँ पे तुम लिटरली श्री नाम्बी को जज ही नहीं कर पाते हो। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ, एक मिशन के लिए आए हैं। अब इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स करने के बाद जब तुम्हारे ऊपर देशद्रोही का आरोप लगता है, कोई तुम्हें फंसाता है, और इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद कोई मिलने भी नहीं आता, यानी लिटरली उस टाइम पे ऐसा ही फील होता है कि तुम किसी के लिए भी कितना भी कुछ अच्छा कर लो, किसी को कदर नहीं होती। पर उससे भी बुरा ये होता है कि समाज उसे स्वीकार नहीं करता, लिटरली लोग जीना मुश्किल कर देते हैं, और इन सब में फैमिली का जो हाल होता है, भाई साहब लोग सदमे में पहुंच जाते हैं, जबकि श्री नाम्बी की कोई गलती भी नहीं थी, इतना सब कुछ सफर करना पड़ा। अगर किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। देखो इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का कैमियो है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर माधवन ने जिस विजन के साथ इस मूवी को डायरेक्ट किया है और श्री नाम्बी का कैरेक्टर जिस हिसाब से प्ले किया है, क्योंकि मूवी देखते समय तुम इतना डूब जाते हो उस स्टोरी के अंदर, यानी लिटरली तुम भूल जाते हो तुम्हारे सामने शाहरुख खान है या आर माधवन। मेरा एक्सपीरियंस बताओ तो मैं पूरी तरह से फील कर रहा था कि मेरे सामने नाम्बी सर थे, यानी मैं इतना डीपली इन्वॉल्व हो चुका था नाम्बी के इफेक्ट के अंदर। इसके अलावा टेक्निकली भी मूवी काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली मूवी की सिनेमेटोग्राफी, यानी पूरी इंटरनेशनल वाइब देती है ये मूवी। अगर तुम नासा में काम करते तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देशभक्ति का मतलब समझाने के लिए उन्होंने तुम्हारी तस्वीर छाप रखी है। देखो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट इस मूवी को सिर्फ बायोग्राफी के हिसाब से मत देखो, ये मूवी साइंटिस्ट के साथ हुए डार्क सच्चाई को तो दिखाती है, पर उससे ज्यादा ये हमारे साइंटिस्ट के किए हुए अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करती है। और नाम्बी सर ने जो कुछ भी इंडिया के लिए किया है उसके बदले जो हालत हुई है उनकी, उसके लिए 1000 करोड़ का कंपनसेशन भी कमी है। यानी तुम एक बार लिटरली सोच के देखो, अगर ये बंदा इसरो का सच में डायरेक्टर होता आज, तो हमारा इंडिया का इसरो कमर्शियली नासा का भी बाप होता। तो इसी बात पे GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय। सर ये रॉकेटरी नहीं है, पपेट्री है।